واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين گزشتہ جمعے ہم نے نماز کے متعلق چند ایک گزارشات سنی تھیں، اسی سلسلے کو آج بھی مختصر سے وقت میں میں آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ بات ہو رہی تھی نمازوں کی حفاظت کے حوالے سے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، جو حفاظت کرے گا اس کے لیے اللہ رب العزت اس کی نماز کو روشنی، دلیل اور ذریعہ نجات بنا دیں گے، اور جو حفاظت نہیں کرے گا اس کے لیے نہ تو روشنی، نہ دلیل، نہ نجات، بلکہ اس کا قیامت کے دن جو حشر ہے وہ اللہ رب العزت کے بڑے بڑے نافرمان اور سرکش لوگوں میں سے ہوگا۔ قیامت کے دن نماز پڑھنے والوں کو اور نماز نہ پڑھنے والوں کو اللہ رب العزت ایسے آزمائیں گے یا ایسے لوگوں کے سامنے لائیں گے انہیں یہ چیز بتانے کے لیے کہ جو نمازیں تم چھوڑ آئے ہو ان کی اہمیت کتنی تھی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک اس دن پنڈلی سے کشف فرمائیں گے اور آواز دے دی جائے گی الی السجود، سجدوں کی طرف، کہ مالک کائنات نے پنڈلی سے کشف فرما دیا، آؤ اب سجدہ کرو۔ قرآن کے لفظ ہیں فلا یستطیعون، کچھ لوگ سجدہ کر ہی نہیں سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی کمر وہ ایسے
अकड़ जाएगी जैसे उसमें कोई तख्ता या राड डला होता है, झुक नहीं सकेंगे, सजदा नहीं कर सकेंगे। बल्कि बाज़ रिवायात में हैं बजाय आगे को सजदा करने के कमर के बिल्कुल तख्ते की तरह सीधी हो जाने की वजह से पीछे को गिर पड़ेंगे। ये उन्हें दिखाया जाएगा कि ये फ़र्क है अल्लाह की बात मानकर और अल्लाह के हुक्म को तस्लीम करके अल्लाह को सजदा करना और अल्लाह के हुक्म को पसे पुश डाल के सजदा न करना, नमाज ही अदा न करना। अलग अलग कर दिए जाएंगे उस दिन, वो जो नमाज पढ़ा करते थे और वो जो नमाज नहीं पढ़ा करते थे। खाशियातन अबसारुहुम, अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं आंखें झुक जाएंगी, आंखें झुक जाएंगी शर्मशारी से, शर्मिंदगी से, पशिमानी से। तरहकुहुम जिल्ला, और जिल्लत जो है वो उनको आके ढांप लेगी, जिल्लत से रुसवा समझेंगे अपने आप को कि आज रुसवाई हमारा मुकद्दर है। वो इस चीज़ को अपने सामने देख रहे होंगे। वक़द कानू युदाउन इला सुजूद वहुम सालिमून, ऐसे क्यों हुआ है? क्योंकि इन्हें जब ये बिल्कुल सही सालिम थे, जब ये ताकत व इख्तियार रखते थे, जब ये कुव्वत व इस्तेआत रखते थे, उस वक़्त सजदा करने के लिए आए नहीं थे। उस वक़्त भी इन्हें आवाज़ दी जाती थी सजदा करने की तरफ, तो आते नहीं थे। उस वक़्त सजदा करना नहीं चाहते थे, कर सकते थे, करना नहीं चाहते थे। आज करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते। चाहते हैं कि झुकें, झुक नहीं सकेंगे। और दुनिया में झुक सकते थे लेकिन झुका नहीं करते थे, नमाज नहीं पढ़ा करते थे। हाफिज़ु अलस्सलावात, सूरह बकरा में अल्लाह फरमाते हैं नमाज़ों की हिफाजत करो। वस्सलातिल वुस्ता, खुसूसन दरमियानी नमाज की। वकूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और ये नमाज में खड़ा होना ये अल्लाह के फरमाबरदार बंदों का काम है। क़याम करो अल्लाह के लिए फरमाबरदार बन के, अल्लाह के लिए फरमाबरदार बन के खड़े रहो। हाफिज़ू का लफ्ज़ है। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने एक और जगह पे फरमाया सूरह मोमिनून के शुरू में, जहाँ कामयाब बंदों की निशानी अल्लाह ने जिक्र फरमाई, वहीं पे इन लोगों का भी तज़करा है कि ये लोग अपनी नमाजों की हिफाजत किया करते थे, अपनी नमाजों की हिफाजत किया करते थे। कामयाब लोगों की बड़ी निशानी जो क़यामत के दिन कामयाबियाँ हासिल, बल्कि अल्लाह फरमाते हैं उलाइका हुमुल वारिसून अल्लदीना यरिसून अल-फिरदौस हुम फीहा खालिदून, ये लोग तो वारिस बनेंगे। कैसे वारिस? जो अल्लाह की जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे, उसमें हमेशा रहेंगे। रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब भी सवाल करो ना जन्नत का, तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो, क्योंकि ये जन्नत का सबसे आला दर्जा है और इसकी छत जो है वो रहमान का अरश है। ये है जन्नतुल फिरदौस। ये वारिस बनेंगे कौन? जो नमाजों की हिफाजत किया करते थे। एक जगह पे अल्लाह फरमाते हैं वल्लदीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, जो नमाजों पे हमेशगी इख्तियार किया करते थे, हमेशा नमाज पढ़ा करते थे, ये भी नमाज की हिफाजत है। हमेशा नमाज पढ़ना और नमाज की हिफाजत करना, बाज़ चीज़ें हैं जो नमाज की हिफाजत से ताल्लुक़ रखती हैं। पहली चीज़ नमाजों की तादाद है, नमाजों की तादाद। रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया पांच नमाजें अल्लाह ने दिन और रात में फ़र्ज़ की हैं। ये पांच की पांच फ़र्ज़ हैं, पांच की पांच फ़र्ज़ हैं। कई लोग एक पढ़ लेते हैं, चार छोड़ देते हैं, दो पढ़ ली तीन छोड़ दी, तीन पढ़ ली दो छोड़ दी, चार पढ़ ली एक ना पढ़ी। ये ऐसे नहीं फ़र्ज़ कि एक फ़र्ज़ है या दो फ़र्ज़ हैं या तीन फ़र्ज़ हैं या चार, नहीं। खम्सु सलावातिन, पांच नमाजें अल्लाह ने दिन और रात में आप अपने बंदों पे फ़र्ज की हैं, पांच की पांच फ़र्ज़ हैं। अगर कोई किसी की रूटीन है कि वो दो तीन या चार पढ़ता है एक छोड़ देता है, उसका मतलब है उसने अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना, उसने अल्लाह का हुक्म नहीं माना। अल्लाह का वो हुक्म कि जिसके बाद अल्लाह ने फरमाया था मा युबद्दलुल कौलु लदैया, अब मेरी बात तब्दील नहीं होगी। वो जब रसूलुल्लाह सल्लम मेराज पे गए, मालिक कायनात ने 50 नमाजें फ़र्ज़ कर दी, 50 नमाजें हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा उम्मत मुश्किल में पड़ जाएगी, रसूलुल्लाह सल्लम वापस गए, अल्लाह ने कम कर दी, फिर चले गए, अल्लाह ने फिर कम कर दी, फिर चले गए, फिर कम कर दी, हत्ता के पांच रह गईं।
पांच रह गईं, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर जाइए, अभी भी आपकी उम्मत जो है वो मुश्किल में पड़ेगी। रसूल सल्लम ने फरमाया कि मुझे अब अपने मालिक के पास जाते हुए शर्म महसूस होती है। मालिक कहेगा 50 फर्ज की थी, तेरी उम्मत 5 भी नहीं पढ़ सकेगी। तो अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया, रसूल सल्लम फरमाते हैं उस वक्त अल्लाह ने फरमाया मा युबद्दल अल कौलु लदैया, मैंने 50 फर्ज की थी, 5 मैंने ही की हैं, लेकिन 50 वाली बात तब्दील नहीं होगी, पढ़ेंगे 5 अजर मैं 50 का दूंगा, 5 पढ़ेंगे अजर 50 का दूंगा। ये अल्लाह की बात है जो तब्दील नहीं होती, अपनी मर्जी 2 में 3 में 4 में 1 में। कई लोग हैं सिर्फ फजर पढ़ लेते हैं, कुछ हैं सिर्फ मगरिब पढ़ते हैं, कुछ हैं 1 2 3 पढ़ ली बाकी छोड़ दी। नमाज ऐसे फ़र्ज़ नहीं है, ऐसे नमाज की हिफाजत नहीं होगी। नमाजें 5 फ़र्ज़ हैं, अल्लाह वहदहु ला शरीक ने 5 नमाजें फ़र्ज़ की हैं, 5 पूरी पढ़ोगे तब हिफाजत का हक अदा होगा। क्योंकि बाज़ औक़ात सिर्फ़ 1 नमाज छोड़ने से भी, 1 नमाज छोड़ने, रसूल सल्लम ने फरमाया जिसने असर की नमाज छोड़ दी गोया उसका माल भी बर्बाद हो गया, उसके अहलोयाल भी बर्बाद हो गए, 1 नमाज का इस कदर नुकसान है। और 1 नमाज का अजर, 1 या 2 नमाजें इनका अजर भी बड़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्लल बर्दैनी दखल अल जन्ना, एक और दूसरी जगह पे फरमाया मन सल्ला कबला तुलुअ शम्सी व कबला गुरूबिया दखल अल जन्ना, जो बंदा 2 ठंडी नमाजें पढ़ ले वो जन्नत में जाएगा। और एक जगह पे है, एक रिवायत में ये है, जो तुलुअ शम्स से पहले वाली नमाज है वो पढ़े और फिर गुरूब शम्स से पहले वाली जो नमाज है वो पढ़े, यानी फजर और असर ये पढ़ता है तो अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल करेगा। 1 नमाज की वजह से वबाल भी बढ़ा है। और ये जो असर की नमाज है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसरूफ़ जंग हैं, मसरूफ़ जिहाद हैं, जंग खंदक में परेशानी बड़ी है, थोड़ा सा अपना मदीने वालों का लश्कर काफिर सब के सब जमा और इरादा करके आए थे कि मदीने में आज किसी को रहने नहीं देंगे, ज़िंदा नहीं छोड़ा जाएगा, सब कुछ ख़त्म कर दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लम मसरूफ़ जंग रहे, असर की नमाज का वक़्त जो है वो गुज़र गया। अब रसूलुल्लाह सल्लम क्या फरमाते हैं, मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारन शगलूना अन सलातिल वुस्ता। पहले एक बात सुन लीजिए कि हमारे जो पैगंबर हैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रसूल रहमत हैं। बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लम ने किसी पे लानत फरमाई हो, बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लम ने किसी के लिए बददुआ की हो, लेकिन यहाँ पे नमाज लेट हो गई। रसूलुल्लाह सल्लम क्या फरमाते हैं, अल्लाह इन काफिरों के घरों को और इनकी कब्रों को जहन्नम की आग से भर दे, इन्होंने हमारी नमाज लेट कर दी। 1 नमाज की अहमियत है। पहला नुक्ता यह है हिफाजत सलात का, कि 5 नमाजें जो हैं उन्हें अदा किया जाए। और दूसरा इकामत सलात का जो नुक्ता है वो ये है, या हिफाजत सलात का, कि नमाजों के औकात का ख्याल रखा जाए। इन्नस सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, अल्लाह वहदहु ला शरीक फरमाते हैं मोमिनों पर जो नमाज फ़र्ज़ है वो मुकर्रर औकात में फ़र्ज है। जैसे नमाज फ़र्ज़ है वैसे ही नमाज का वक़्त भी फ़र्ज़ है। जैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेराज में रसूलुल्लाह सल्लम को नमाज का तोहफ़ा दिया, अगले दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज दिया। रसूलुल्लाह सल्लम फरमाते हैं जिब्रील ने मेरी 2 बार इमामत करवाई, 2 दिन 5-5 नमाजों की इमामत करवाई। पहले दिन उन औकात में जहाँ से नमाज का वक़्त स्टार्ट होता है, हर एक नमाज का वक़्त शुरू होता है, फजर भी, जोहर भी, असर भी, मगरिब भी और इशा भी, और दूसरे दिन जहाँ पे नमाज का वक़्त ख़त्म हो रहा होता है, फजर आखिर में, जोहर आखिरी वक़्त में, असर आखिरी वक़्त में, मगरिब आखिरी वक़्त में, इशा आखिरी वक़्त में। और फिर कहा कि इन 2 वक्तों के दरमियान जो है वो नमाज का वक़्त है,
ये नमाज का वक़्त है, इससे आगे नहीं गुजरना। नमाज मुकर्रर वक़्त में फ़र्ज है, नमाज को लेट करना ये जायज़ नहीं है। तादाद की भी हिफाजत और नमाज के औकात की भी हिफाजत, जानबूझ के। ये जो हदीस मैंने जंगे खंदक वाली पढ़ी है, रसूलुल्लाह सल्लम को कितना गुस्सा आया कि नमाज लेट हो गई। लेट किस वजह से हुई? जिहाद फी सबीलिल्लाह की वजह से लेट हुई कि दुश्मन सामने था, किसी भी वक्त हमला आवर हो सकता था, इसलिए लेट हुई। लेट किस लिए हुई? कि दुश्मन को पीठ दिखा के जा नहीं सकते, और वक़्त ऐसा है कि नमाज भी नहीं अदा हो सकती, यहाँ पे नमाज खौफ भी अदा नहीं हो सकती, क्या किया जाए? इसलिए नमाज जो है उसमें ताखीर हो गई, जिहाद की वजह से नमाज में ताखीर हुई। रसूलुल्लाह सल्लम अफसरदा हैं, और हमारी नमाजों में किस वजह से ताखीर होती है? सोचना हर बंदे का अपना काम है, फिक्र करना हर बंदे का अपना काम है, अपना मुहासबा करना, अपने ऊपर चेक रखना, अपने आप को देखना परखना, अपना हिसाब लेना, अपने आप को तोलना, अपने औकात का, नमाजों का, बाकी मसरूफियात का जायज़ा लेना, ये हर बंदे का अपना काम है। वो अपना जायज़ा ले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सीरत को सामने रखे। शगलूना अनिस्सलातिल वुस्ता, नमाज नहीं पढ़ने दी, नमाज से हमें लेट कर दिया, ये इन लोगों ने किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम नमाजों के औकात का ख्याल रखा करते थे, बल्कि एक बार सवाल हुआ रसूलुल्लाह सल्लम से, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आप ये बताइए कि सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है, सबसे बेहतरीन अमल? फरमाया सलातु लिवक्तिहा, नमाज को उसके वक़्त पर अदा करना, नमाज को उसके वक़्त पर अदा करना, ये सबसे बेहतरीन अमल है, सारे अमाल में से बेहतरीन, कि नमाज बंदा उसके टाइम पे अदा करे, टाइम से लेट ना करे। क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने? फरमाया एक शख्स है जो बैठा रहता है, इंतज़ार करता रहता है, इंतज़ार करता रहता है, इंतज़ार करता है। असल में असर की नमाज का जिक्र है, इंतज़ार करता रहता है हत्ता के सूरज ऐन गुरूब के करीब हो जाता है, गुरूब के करीब। और रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया उस सूरज की उस कैफियत के बारे में, जब सूरज शैतान के दो सींगों के दरमियान चला जाता है तो क्या होता है? ये उठता है जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी उठता है और चार ठूंगे मारता है कव्वे के ठूंगे की तरह। ला यज़कुरुल्लाह इल्ला कलीला, अल्लाह का जिक्र बिल्कुल थोड़ा करता है, पढ़ता है, लेट भी कर दी फिर जल्दी जल्दी भी पढ़ी, अल्लाह का जिक्र ही बीच में पूरा ना किया। रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया ये मुनाफिकीन की नमाज है, ये मुनाफिकीन की नमाज है। एक शख्स के बारे में कहा गया कि फजर का वक़्त गुजरता जा रहा है, अभी तक सोया हुआ है, उठा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया ज़ाक शैतानु बाला फी उज़ुनैही, इस बंदे के दोनों कानों में शैतान ने पेशाब कर दिया, शैतान ने पेशाब कर दिया इसके दोनों कानों में। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लम ने जब बंदा रात को सोता है, रात को सोता है तो शैतान आके बंदे की गर्दन के ऊपर तीन गिरें लगाता है, वो जादू वाली गिरें जिनका तज़करा अल्लाह ने सूरह फलक में किया है, मिन शर्र नफ्फासात फिल उक़द, गिरों में फूंक मारना। ये आता है, वो गिरें बांधता है और हर गिरा पे पड़ता क्या है? सोया रहना है, अलैका लैलुन तवील, रात बड़ी लंबी है, सोया रो, रात बड़ी लंबी है, सोया रो, रात बड़ी लंबी है। और ये जो शख्स तो सुबह उठ जाता है, अल्लाह का जिक्र करता है, वुजू करता है, नमाज पढ़ता है, उसकी गिरें खुल जाती हैं, फासबह तय्यिबन नफ्स, उसने तो सुबह की है बिल्कुल हशाश बशाश दिल के साथ, पाकीज़ा दिल के साथ और चुस्त, उसकी सुबह चुस्त है। और दूसरा जो उठा ही नहीं, जिस पे शैतान का वार असर कर गया, जो शैतान के जादू में आ गया, शैतान के जाल में फंस गया और उसने उस बात को सही मान लिया कि रात बड़ी लंबी है, मेरी मर्ज़ी है, जब तक मैं सोऊं, जब मैंने उठना हुआ तब मेरी मर्ज़ी होगी, रात बड़ी लंबी है, वो फिर अजान भी गुज़रती है, नमाज भी गुज़रती है, नमाज का वक़्त भी गुजर जाता है। रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया फ़ासबह खबीसन नफ्सी कसलान, ये बंदा ये
पाकीज़ा दिल वाला नहीं है, ये खबीस दिल वाला है। इसने जब सुबह की है ऐसी हालत में कि ये खबीस दिल वाला, नापाक दिल वाला, कसलान, सुस्त आदमी, सुस्ती का मारा हुआ, ये रसूलुल्लाह सल्लम के अल्फाज हैं। क्यों? नमाज लेट कर रहा है, नमाज वक़्त पे अदा नहीं कर रहा। नमाज की हिफाजत में दूसरा नुक्ता ये है कि बंदा नमाज को उसके वक़्त पे अदा करे, नमाज वक़्त पे अदा करनी ज़रूरी है। तीसरा, नमाज की हिफाजत का नुक्ता ये है कि बंदा नमाज को इत्मीनान से अदा करे, खुशू व खुजू उसका ख्याल रखे, कोशिश करे कि तवज्जो नमाज में रहे, उसका मुकम्मल इन्हिमाक रहे, मुकम्मल हुजूर रहे, इधर उधर ध्यान ना भटकाए, ध्यान इधर उधर ना लेके जाए, इससे सवाब में कमी वाकई होती है। और नमाज को इत्मीनान से भी अदा करे, उसके अरकान को, बैठने को, उठने को, रुकू को, सजदे को। वो रिफा बिन राफे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली हदीस जो है, रसूलुल्लाह सल्लम ने देखा एक शख्स आया, उसने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के जाने लगा, सलाम किया, रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया वालेक सलाम, इरजे फसल्ली फ़इन्नक लम तुसल्ली, वापस जा नमाज पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। आया है, नमाज पढ़ी है, वापस जा रहा है नमाज पढ़ के। फरमाया नहीं भाई, नमाज नहीं पढ़ी, नमाज पढ़। एक बार पढ़ता है, दूसरी बार फिर जाता है पढ़ के, सलाम करके जाता है, रसूलुल्लाह सल्लम सलाम का जवाब देते हैं और कहते हैं वापस जा, नमाज पढ़, नमाज नहीं पढ़ी। तीसरी बार फिर ऐसे ही होता है, कहता है अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नमाज सिखा दीजिए। फिर रसूलुल्लाह सल्लम ने नमाज सिखाई, रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया जब नमाज के लिए खड़ा हो तो अल्लाहु अकबर कह, इत्मीनान से क़याम कर, इत्मीनान से, इत्मीनान से क़याम कर, क़याम जब पूरा हो जाए फिर रुकू कर, हत्ता तत्मइन्न राकियन, रुकू भी इत्मीनान के साथ, इत्मीनान से रुकू। ये नहीं कि अभी रुकू में, ये ही नहीं, रुकू और सजदे के इत्मीनान में दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक ये चीज़ कि जब रुकू में बंदा जाता है, जैसे रुकू की हालत में हर हड्डी को जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे हर हड्डी पहुँच जाए इत्मीनान से। एक रुकू ये है, रुकू में इत्मीनान ये है, और दूसरा ये है कि कमर को रुकू में और सजदे में सीधा रखना है। आधा बंदा झुकता है, मैंने अक्सर लोगों को देखा है, माजरत के साथ अक्सर लोगों को देखा है, रुकू के लिए पूरा झुकते ही नहीं है, आधा झुके, कई घुटनों को सिर्फ हाथ लगाते हैं और कई घुटनों तक किसी के हाथ पहुँचते ही नहीं हैं, उनके हाथ यहाँ रानों तक होते हैं, घुटने पर हाथ नहीं पहुँचते और रुकू से खड़े हो जाते हैं, कई घुटनों को हाथ लगाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लम का तरीका जो है वो रुकू के अंदर घुटनों को पकड़ने का है, उंगलियां खोल के घुटने को पकड़ना। और सहाबी फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लम के रुकू की कैफियत देखी, रुकू की कैफियत कैसे थी, जैसे कमान नहीं होती, ये जो बाजू हैं ये कमान के धागे की तरह सीधे तने हुए, इनमें कोई खम नहीं, बिल्कुल सीधे, और कमर इतनी सीधी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ना फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लम रुकू फरमाते, कमर इतनी सीधी होती, लव सुब्बा अलैहिल मा लस्तकर्रा, अगर पानी बंदा उंडेल दे तो पानी वहां पे ठहर जाए। ये रुकू है। क्या फरमान है रसूलुल्लाह सल्लम का नमाज के बारे में, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे नमाज मुझे पढ़ते हुए देखा है। देखिए कुतुब अहादीस में रसूलुल्लाह सल्लम की नमाज, देखिए कुतुब अहादीस में रसूलुल्लाह सल्लम की नमाज का इत्मीनान, रुकू का इत्मीनान, सजदे का इत्मीनान। सहाबा से रसूलुल्लाह सल्लम फरमाते हैं चोर कौन है, कहा जो लोगों का माल चुराए वो चोर है, कहा नहीं बदतरीन चोर कौन है, कहने लगे वो तो अल्लाह और उसका रसूल ही ज़्यादा जानते हैं, बदतरीन चोर कौन है, रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया बदतरीन चोर नमाज का चोर है, नमाज का चोर। नमाज, नमाज में से कौन क्या चुरा सकता है, कैसे, वजाहत फरमाइए। अल्लज़ी ला युतिम्मु रुकूअहु वला सुजूदा, वो जो ना रुकू पूरा करता है ना सजदा पूरा करता है। ला युतिम्मु, ये नहीं कहा कि रुकू सजदा करता नहीं है, करता है, ला युतिम्मु उसे पूरा नहीं करता, जैसे रुकू करने का हक है हक नहीं अदा करता, जैसे सजदा करने का हक है वैसे हक नहीं अदा करता। ला युतिम्मु रुकूअहु वला सुजूदा,
ना रुकू पूरा करता है, ना सजदा पूरा करता है। ये है नमाज का चोर, नमाज में से चुरा लेता है कुछ। अल्लाह का हक है, मैंने पिछले जुमे हदीस सुनाई है कि नमाजी जब नमाज पढ़ता है तो क्या है, क्या कैसी कैफियत है, वो अपने रब से गुफ्तगू कर रहा है। फइन्नमा युनाजी रब्बा, फइन्नमा युनाजी रब्बा, जब अपने मालिक के सामने हो और अपने मालिक से बातें कर रहे हो, राजो न्याज की बातें, युनाजी रब्बा, वो बातें जो राजो न्याज की होती हैं, वो बातें जो सिर्फ आपस में की जाती हैं, सरगोशी के अंदाज में की जाती हैं, आहिस्ता से की जाती हैं, वो बातें बंदा अपने रब से कर रहा है इत्मीनान से, तसल्ली से, सुकून से, हुदू से, खुजू से, खुशू से नमाज अदा करे, सुकून से नमाज अदा करे। नमाज में बेसुकूनी नहीं होनी चाहिए, मना कर दिया रसूल अल्लाह सल्लम ने। अगर एक बंदा वो आ रहा है, इधर इकामत हो गई, इकामत हो गई, एक बंदा आ रहा है और वो क्या करता है, वो भागना शुरू कर देता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भागते हुए नमाज पढ़ने ना हो, वला किन तू हावा अलैकुमुस्सकीना, नमाज के लिए आना है तब भी सुकून से आना है। वला किन तू हावा अलैकुमुस्सकीना, बिल्कुल इत्मीनान से आओ, जो मिल जाए उसे पढ़ लो, जो रह जाए उसे पूरा कर लो। जमात में मिलने के लिए बंदा भागता है, जमात में मिलने के लिए भागता है, तेज़ी करता है, ऐसे तेज़ी नहीं करनी, सुकून से आओ। जो मिल जाए जमात के साथ ठीक है, जो रह जाए उसे बाद में पूरा कर लो। नमाज में सुकून नहीं, नमाज नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया, एक बंदा इकामत की आवाज़ सुन रहा है लेकिन खाना सामने आ गया, क्या करेगा, खाना पहले खाएगा, पहले खाना खा ले, नमाज जब पढ़े बाद में सुकून से पढ़े। ला सलात बि हजरत ताम वला वहु युदाफिउ अलखबसान, ना ही खाना सामने पड़ा उसे छोड़ के जाना चाहिए नमाज पढ़ने, और ना ही जब बंदे को कजाए हाजत का तकाजा हो उस वक्त नमाज पढ़नी चाहिए। पहले हो ले बैतुल खला से, आराम से नमाज पढ़े, पहले खाना वगैरह खा ले, फिर आराम से नमाज पढ़े। सुकून, नमाज में सुकून, नमाज में इत्मीनान लाजमी है, ज़रूरी है, सुकून के बगैर नमाज नहीं। ला तुज़ सलातुर रजुल ला युकीमु सुलबहु फिर रुकू ला फिस सुजूद, ये भी रसूल अल्लाह सल्लम का फरमान है। उस बंदे की नमाज उसे फ़ायदा देती ही नहीं है जो अपनी कमर ही रुकू और सजदे में सीधी नहीं करता, कमर ही सीधी नहीं। और वो जो हदीस मैंने सुनाई, असर की नमाज लेट करके पढ़ने वाला, क्या कहा, कव्वे की तरह चार ठूंगे मारता है, उसमें अल्लाह का जिक्र बहुत कम करता है। ला यज़कुरुल्लाह फीही इल्ला क़लीला, अल्लाह का जिक्र बड़ा कम करता है, तेज़ी से जल्दी जल्दी पढ़ता है, अल्लाह का जिक्र करता नहीं है ज़्यादा, तस्बीहें पूरी नहीं करता। जैसे नमाज दीन का रुकन है, वैसे ही नमाज के भी अरकान हैं, वैसे ही नमाज के भी फ़राइज़ हैं, वैसे ही नमाज की भी सुन्नतें हैं। उन सारी चीज़ों का नमाज में ख्याल रखा जाएगा, सफ़बंदी का भी ख्याल रखा जाएगा। इमाम की इमामत में हो तो इमाम से पहले सर नहीं उठाया जाएगा, इत्मीनान के साथ। सहाबा फरमाते हैं, जब हम रसूलुल्लाह सल्लम के पीछे नमाज पढ़ते, जब रसूलुल्लाह सल्लम सजदे में जाते ना, हम में से कोई झुकता नहीं था जब तक रसूलुल्लाह सल्लम अपनी पेशानी ज़मीन पर ना रख देते, और ना ही रसूलुल्लाह सल्लम से पहले कोई उठा करता था। इमाम से जल्दी भी नहीं करनी, और इमाम के पीछे उसकी इक्तिदा में नमाज अदा करनी है। ये नमाज की हिफाजत के हवाले से चंद नुकात थे, बात इंशाल्लाह जारी रहेगी। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह सुन समझ कर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैहि अल्लाह।